क्या हीरो, किसका स्केच बना रहा है? कुछ नहीं, वो बस मतलब जिंगारो का। क्या बात है, तेरे से ज्यादा मशहूर तो आजकल तेरा कार्टून जिंगारो हो गया। हाँ यार, स्टूडेंट इसके बारे में भले ना जानते हो लेकिन इसके कार्टून जिंगारो के बारे में सबको पता है। सही। तो देख, आज तेरा और तेरे इस कार्टून जिंगारो का मैं सबके सामने कैसे बैंड बजाता हूँ। जिंगारो हूं जिंगारो, अच्छों का दोस्त और बुरों का दुश्मन। आप लोगों को पता है मैं गोंचा, ये जिंगारो के कार्टून कहां बैठ के बनाता हूं? इस कबोर्ड के ऊपर। अब मैं यहां बैठ जाता हूं और जिंगारो के कार्टून बनाऊंगा। चिंकारो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें देख के मेरी पैंट गीली हो जाती है। अबे, जब तुझे पता है कि मुझे देख के तेरी हवा निकल जाती है और तेरी पेंट भी गीली हो जाती है, तूने मुझे क्यों बनाया लंगूर? पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना? ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरी अकल अच्छी है। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। गोंचा, तुम बुरा मत मानो, ये सब तो मजाक है ना? मीनल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर गोंचा सुनो। अरे गोंचा, नाराज होके जा रहा है? अरे गोंचा, मैं भी आ रहा हूँ। गोंचा, ए गोंचा, अरे कहां छुप गया रे गोंचा? अरे कहीं भी छुप जा, जिंगार उसे ढूंढ निकालेगा। कहां छुपा है तू गोंचा? कहां तक बचेगा गोंचा? ए गोंचा, पार्टी बीच में छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है तूने, अब देख मजा। गोंचा, ये तो बंद है। गोंचा, गोंचा, दरवाजा खोल। गोंचा, देख, मुझे पता तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। गोंचा, मैंने बोला दरवाजा खोल। देख गोंचा, अगर जिंगारो गुस्सा आ गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। खोल दरवाजा, खोल। ठीक है, जिंगारो बाथरूम होके आता है और तब तक तू अंदर रह।
कौन है? कौन है मां? कौन है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। गोंचा, दरवाजा खोल। राजन कहाँ है? राजन कहाँ है? बता। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता? तो फिर किसे पता है? कल रात गायब होने से पहले वो तेरे पास में आया था। उसके पास से उसका कुछ पता नहीं। पता जल्दी बता। क्या राजन मेरे कमरे में आने वाला था? हाँ, लेकिन मैं तो अपने कमरे में था ही नहीं। तो कहाँ था तू? हाँ, कहाँ था तू? मैं बाहर गार्डन में। अब जब मैं अपने कमरे में आया तो यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। शायद राजन ने ही किया होगा। अच्छा हुआ, लापता हो गया। क्या कहा? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। बहुत होशियार बनता है तू। हाँ नहीं। बता राजन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ तुझे सब मालूम है। सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बोलना पड़ेगा, बोल। ये क्या हो रहा है? गुंजा गुंजा छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो बेटा? तेरी किस्मत अच्छी है, आज तू बच गया। अगली बार चलो। गुंचा तुम क्यों इन लोगों का अत्याचार सहते हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देते? नहीं मिनल, जाने दो ना, बच्चे हैं अभी, शरारत करते हैं। तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो आर्ट क्लास के लिए देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो मीनल। ये क्या फिर से सिंगारों का स्केच? तुम अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कब पूरा करोगे? मीनल, ये कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाने में मुझे मजा नहीं आता। मुझे बस सिंगारों का स्केच बनाना है हमेशा। मेरा बस एक ही सपना है कि सिंगारों और भी ज्यादा ताकतवर बने, और भी ज्यादा लोग उसे पसंद करें। ओ, बस बस इसे और ज्यादा ताकतवर मत बनाओ, मुझे इसे डर लगने लगेगा। अरे डरो मत।
मीनल मैं अभी आता हूँ। अरे विशाल तुम कब आए? तुमसे मतलब? क्या बात है, आज जन आपका मूड ठीक नहीं है क्या? तुम हमेशा उस लड़के कोंचा से खुसुर-खुसुर करती रहती हो। तुम्हें जलन हो रही है? देखो मीनल, जिस तरीके से वो तुम्हें देखता है, तुमसे बातें करता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त है और फैमिली फ्रेंड है बस। देखो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उसे हम दोनों के रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, वक्त आने पर उसे बता दूंगी अपने दिल का हाल। भागता किधर है? हाँ देख संजय, मुझे छोड़ दे वरना। वरना वरना क्या कर लेगा? धमकी देता है हाँ? अबे लंगूर, तुझे पता है अभी मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ। हाँ? नहीं नहीं संजय यार, ये बहुत ऊंचा है, प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ दूँ? ठीक है छोड़ देता हूँ, फिर तू यहाँ से सीधा नीचे। हाँ? नहीं नहीं संजय, प्लीज प्लीज छोड़ दे। राजन की तरह है, मुझे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता यार। अगर कल सवेरे तक राजन वापस नहीं आया ना, तो मैं तुझे सच में यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे इसे क्या हुआ? पानी को क्या हुआ? क्या मुसीबत है यार। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खून कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने किया हो। वैसे भी कॉलेज में आए दिन झगड़े होते रहते, गरम खून के उबाल में कर दिया होगा किसी ने खून। नहीं राघव, कॉलेजेस में झगड़े भले ही आम हो, लेकिन किसी स्टूडेंट का खून नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है किसी आत्मा या दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ इन मौतों के पीछे। चलकर देखते हैं। Excuse me, क्या राजन और संजय आपके दोस्त थे? I'm sorry, कॉलेज ने हमें इस बारे में किसी से भी बात करने से मना किया है। वो दोनों फुटबॉल प्लेयर थे ना? जाहिर है काफी ताकतवर और फुर्तीले होंगे। उन दोनों को कोई इतनी आसानी से मारते, ये बात कुछ गले से नहीं उतरती। हाँ ताकतवर तो थे, लेकिन कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान भी करते थे। परेशान करते थे? किसे? मैंने कहा ना, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। I'm sorry. Excuse me. चलो। आप हमें इतना तो बता सकते हैं कि इन दोनों की लाशें मिली कहाँ थी? जिम के बाथरूम में। जिम के बाथरूम में?
चलो चलते, इस वक्त क्लासरूम चालू होगी और वहां पे कोई नहीं होगा। तुम दोनों जिम में जाके देखो, मैं बाथरूम में देखता हूं। इस जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता हूं। कैमरे में पेंट के निशान दिखाई दे रहे हैं और बिना कैमरे के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि मेरा शक सही था। इन मौतों का कारण कोई आत्मा है, इंसान नहीं, कोई ऐसी आत्मा जिसका शायद कुछ संबंध है पेंट के रंगों के साथ। गोंचा। यस सर। एक बात बताओ। जी पूछिए सर। राजन और संजय तुम्हें बहुत परेशान करते थे ना? हाँ बहुत सर, बिना वजह छेड़ते रहते थे मुझे और कभी कभी तो मारते भी थे। तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी उन दोनों की मौत से? नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो चाहे मुझे कितना भी छेड़ते थे लेकिन थे तो मेरे सहपाठी ही ना। एग्जैक्टली, तुम्हारे सहपाठी ही थे। तो फिर ये क्या है? What is this? ये मैंने नहीं बनाया सर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ना तो सिर्फ इस कार्टून को बनाया है बल्कि इसे, इस भद्दी चीज को तुमने नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने नोटिस बोर्ड पर कोई और कार्टून लगाया था, ये वाला नहीं। तो फिर ये नोटिस बोर्ड पर कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, शायद शायद किसी और ने लगाया होगा। किसी और ने? जिंगारू के कार्टून तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में और कौन बनाता है? बोलो, जवाब दो। और कोई नहीं सर। तो फिर इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन सर मैंने। और तुम्हारी सजा ये है, जिंगारू के कार्टून आज से बनाना बंद। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, आप नहीं जानते ये कार्टून मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो ये हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। नाउ बैक टू द होस्टल, गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन सर, क्या हुआ? छोड़ दो। दरवाजा खोलो। बच्चा, शोर मत मचाओ, बस देखते जाओ।
ऐसा क्यों कर रहे हो? गोंचा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसे कार्टून बनाने से मना कर दिया? नहीं, बस करो, छोड़ दो उन्हें। क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह के रंग या पेंट से किसी आत्मा का क्या संबंध हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये आत्मा आर्ट की स्टूडेंट होगी। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है। पर फिर भी एक बार आज क्लास के स्टूडेंट से मिलने में कोई हर्ज नहीं। क्या पता, शायद कोई जानता होगा इस आत्मा के बारे में। यामिनी, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। हेलो हेलो, एम्बुलेंस सर्विसेज, एवी आज कॉलेज में जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। प्रिंसिपल साहब आंखें खोलिए। आप इसे देखकर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? He's dead. ये तो वही कार्टून है जो वो दोनों स्टूडेंट उसे नोटिस बोर्ड पे लगा रहे थे। हाँ, पर उस दिन इस कार्टून के हाथों में ये दोनों सिर नहीं थे। कहीं ये प्रिंसिपल हमसे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा था कि इन मौतों के लिए ये कार्टून जिम्मेदार है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पहचानते? जिंगारो, जिंगा। जिंगारो? हाँ, तुम्हारा जिंगारो। पर मैंने तुम्हारा कार्टून बनाया था। तुम तो असली हो। अब क्या तुम मुझे मारने आए हो? डरो मत। पर तुमने प्रिंसिपल को क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हें मेरे कार्टून बनाने से मना कर रहा था। और वो राजन और संजय को? हाँ,
उन दोनों पापियों को भी मैंने ही मौत की नींद सुनाया। बहुत सताते थे ना वो तुम्हें? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गोंचा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए। सुनिए, हमें उस स्टूडेंट से मिलना है जो जिंगारो के कार्टून बनाता है। आपको गोंचा से मिलना है? हाँ। इसको को कहाँ मिलेगा? I'm sorry, मुझे मालूम नहीं। Excuse me, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। Excuse me, क्या आप गोंचा को जानते हैं? हाँ, क्यों? हमें उसे मिलना है। फिलहाल तो वो अपनी आर्ट क्लास में मिलेगा। आर्ट क्लास? हाँ। थैंक्स। वेरी गुड, कीप इट अप। बट ये जो तुमने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया है, इसकी जगह अगर रेड यूज करोगे तो ज्यादा ऊपर कराएगी। ओके ओके सर, कम ऑन, कीप इट अप। गुंचा, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो? गुंचा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हो रहा है सर, ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो तुम? आपको ऐसे फालतू नहीं कहना चाहिए सर। इसका नाम जिंगारो है और ये फालतू नहीं है सर। ओह, आई सी। एक तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। सर, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूं। ओह रियली? दिखाओ तो जरा। Let me see. Show. Let me see. इसे तुम असाइनमेंट कहते हो? ये है तुम्हारी असाइनमेंट? अरे इससे अच्छी ड्राइंग तो नर्सरी के बच्चे बना लेते हैं। Idiot. अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गोंचा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। वो उस तरफ है प्लस। अरे यार, मैंने सर को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, और बात भी तो गुस्से की है। इतना घटिया असाइनमेंट बनाने के बजाय वो अगर सर से ये बोल देता कि उसने असाइनमेंट ही नहीं बनाया तो शायद बहुत अच्छा होता। एक्सक्यूज मी, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? गोंचा? उसकी तो सर ने आज बैंड बजा दी। क्यों, क्या हो? अरे क्लास के वक्त भी जिंगारों का कार्टून बनाते रहता है, इसलिए। कहीं ये गोंचा सदमे में तो नहीं है इन मौतों की वजह से? सदमे में? सदमे में? सदमे में क्यों, वो तो काफी खुश होगा। क्या, राजन और संजय की मौत से गोंचा खुश होगा? और नहीं तो क्या, काफी परेशान करते थे वो दोनों से और चिढ़ाते भी थे। ये गोंचा सब मिलेगा कहाँ? कैंटीन में। ये आजकल के स्टूडेंट्स, इन्हें बड़ों का लिहाज ही नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। अरे हमारा जमाना था, हम टीचर से हमें अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। ये लोग
कौन है? कौन है वो? कौन था वहां पे? कौन है? कौन है? कौन यहां? देखो जो कोई भी है सामने आ जाओ, वरना प्रिंसिपल से कह के कॉलेज से निकाला दूंगा। कौन है? कौन है यहां? मैं कहता हूं सामने आ। जाके कुछ जा, देखो मैं तुम्हारे घर वालों से शिकायत करूंगा तुम्हारी, तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। आगे मत, आगे मत बोलो कुंचा। थैंक्स जिंगारो, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। अब तुम देखना कैसे हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, और जो भी मेरे सामने सर उठाएगा उसका सर ही नहीं रहेगा। क्या बात है कौनचा, बहुत खुश लग रहे हो? क्यों, खुश रहने में कोई बुराई है क्या? नहीं, खुश रहने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डांटा था ना। इसका अंजाम तो उन्हें, मेरा मतलब है टीचर्स का तो काम ही होता है डांटना, और हमारा काम है उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने वो राजन और संजय वाली कार्टून स्ट्रिप बदली थी? नहीं तो क्यों? प्रिंसिपल के मरने के बाद हम उनके कमरे में गए थे और वहाँ हमें एक दूसरी कार्टून स्ट्रिप मिली जो तुम्हारे कार्टून स्ट्रिप से बहुत अलग थी। मुझे नहीं पता वो स्ट्रिप किसने बदली। मिनल,
हाय एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है। हाय मिनल। हाय। अरे मिनल, वहाँ कहाँ जा रही हो? चलो वहाँ चलते हैं ना। वहाँ चलते हैं ना, वहाँ दोस्त भी हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। अकेले में? अकेले में क्या बात करनी है? वो इस हफ्ते के डिबेट कंपटीशन के बारे में। ओह, डिबेट कंपटीशन? ठीक है, चलो। अरे विशाल, देख देख, मिनल को तो ये लंगूर उड़ा के ले गया, अब तेरा क्या होगा? मुझे लाइब्रेरी जाना। अब लाइब्रेरी में कौन सी किताब ढूंढने जा रहा है? खोई गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाऊं? देखो मिनल, मुझे तुमसे ये कहना है कि क्या तुम लोग वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? यहाँ पे तो पूरी फिल्मी लव ट्रायंगल चल रही है। कुछ सीख मेरे भाई, तेरे से ज्यादा रोमांटिक तो ये कॉलेज के बच्चे लग रहे। मीनल, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि इस फ्राइडे जो डिबेट कंपटीशन होने वाली है, उसे हमारी टीम ही जीते। हाँ, डिबेट हम ही जीतेंगे। और मीनल, मुझे तुमसे ये भी कहना था। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुमसे क्लास में मिलती हूँ। मिनल, टेक केयर, बाय। पर मिनल सुनो तो। आजा गोंचा, आजा यहाँ बैठ जा, मिनल तो गई विशाल से मिलने। विशाल, ये अचानक से क्या करने लगा? अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। कहीं ये उस शक्ति को तो नहीं बुला रहा जो लोगों को मार रही है? विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? बाहर आओ ना विशाल, तुम तो बिना वजह नाराज हो जाते हो, बाहर आओ ना विशाल। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं गोंचा के पास चली जाऊंगी, ठीक है विशाल? बाय। विशाल, 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 तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। क्या कर रहे हो, पागल मत बनो, किसी ने देख लिया तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। अरे बाबा, कोई नहीं देखेगा, पास आओ। लगता है किसी ने देख लिया। नहीं, किसी ने नहीं देखा, वो दस्ता गिरा है वहाँ पे तो उसी की आवाज थी। अच्छा बाय द वे, मुझे एक बात बताओ, ये गोंचार तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? अब कुछ नहीं, गोंचा तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। तुम्हें गोंचा से इतनी जलन क्यों हो रही है? अब देखो देखो देखो, तुम्हारी नाक ना टमाटर की तरह लाल हो गई है। हाँ, लाल टमाटर। मेरी नाक टमाटर की तरह लाल है? अभी बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। हाँ। रुको एक मिनट। विशाल, छोड़ विशाल, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो विशाल, विशाल छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो विशाल, छोड़ो विशाल को। मीनल नहीं, विशाल,
विशाल भाग जाओ। लगता मेरी टांग टूट गई है, अब मैं नहीं भाग सकता। विशाल भाग जाओ, विशाल भाग जाओ। नहीं विशाल, विशाल तुमने मेरे विशाल को क्यों मारा? मार डाला। क्या बात है, क्या हुआ? विशाल और मिनल को मार डाला। क्लासरूम में विशाल और मिनल को मार डाला। दो और लाशें, कितनी दर्दनाक मौत हुई उनकी भी। हर्ष, राघव, ये पेंट। वही पेंट, पर ये पेंट सिर्फ कैमरा में ही दिख रही है। इसका मतलब है कि उस आत्मा ने इन लोगों को जिस भी जगह पे छुआ है, ये पेंट वहां पे रह गया। यानी कि इनकी मौतों में भी जरूर उसी आत्मा का हाथ है। ये तुमने क्या किया जिंगारो, क्या किया तुमने? ये मैं जिससे प्यार करता था, तुमने उसी को मार दिया। तुम्हें सिर्फ विशाल को मारना था, मीनल को नहीं। बताओ जिंगारो, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। मेरे जीने की सिर्फ एक ही वजह थी, मेरी मीनल, और तुमने उसे मारकर मेरे जीने की वजह मुझसे छीन ली है। आज के बाद मैं तुम्हारी कार्टून कभी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारी कार्टून कभी नहीं बनाऊंगा। जिंगारो अब खत्म हो गया है। जिंगारो इज फिनिश्ड, जिंगारो इज फिनिश्ड। आइंदा अपनी मनहूश शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं गोंचा में कहां मिले, कहां ढूंढ रहे उसे? वो देखो, ये गोंचा ही है ना? लेकिन ये इतनी रात के टेरेस पे बैठ के रो क्यों रहा है? चलो चल कर देखते हैं। तुम अब क्या लेने आए हो यहां? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जाओ जाओ जिंगारो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम तो मुझे खत्म करना चाहते थे ना? क्या कहा था तुमने उस दिन मुझे कि दोबारा मेरी ड्राइंग नहीं बनाओगे? मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि तुम मेरा अस्तित्व खत्म कर दो, मैं ही तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मैंने तो तुम्हें जिंदगी दी है ना, तुम मेरी जिंदगी छीनना चाहते हो। अब पता चला मुझे कैसा लगा होगा
जब तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेना चाहते थे। एक मिनट कोचा, कोचा दरवाजा खोलो। बचाओ मुझे, जिंगारा मुझे मार डालेगा। कोई है? मुझे मुझे माफ कर दो जिंगारो। मुझे मुझे माफ कर दो जिंगारो। अब शायद यही एक तरीका है जिंगारो को खत्म करने का। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो रहा है जिंगारो? मुझे मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर खींच दो। हाथ पर चोट लगा। दरवाजा खुल गया। गोचा, गोचा, ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।